मौजूद नज़रीन व समईन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदाए रब्बे जलील की बबरकत नाम से जो दिलों की बहीदों को खूब जानने वाला है, देखते आंखों सुनते कानों अल हकीम जोन की जानिब से हकीम मौलाना रहम नियाज अतार इस वक्त आपसे मुहातिब हूँ। मौजूद नज़रीन, आज हमारे और आपकी नुस्खा वजुल मफासिल, अरबी में इसका बीमारी का नाम है वजुल मफासिल, उर्दू में इसको जोड़ों का दर्द बोलते हैं, घंटिया बोलते हैं, अरकुन्नसा बोलते हैं। अरकुन्नसा तो खैर एक और चीज़ है, लेकिन जोड़ों का दर्द इसके लिए इंतहाई मुफीद, लाजवाब और बेहतरीन नुस्खा है। बहुत से दोस्तों का डिमांड था कि हकीम साहब, जोड़ों की दर्द के लिए, घुटनों की दर्द के लिए, कमर में स्पाइनल कार्ड की मोहरों में दर्द के लिए, गर्दन की हाड़ियों की जोड़ों में दर्द के लिए, हाथों उंगलियों की जोड़ों में दर्द के लिए, कलाइयों की जोड़ों में दर्द के लिए, कोहनियों की जोड़ों की दर्द के लिए कोई बेहतरीन सा नुस्खा अपलोड कर लें चैनल पर, तो माज़ नाज़रीन आज नुस्खा हाज़िर हिदमत है। चलते हैं नुस्खे की तरफ। मौजूद नज़रीन, जोड़ों का दर्द इंतहाई तकलीफ दे मरज़ है, यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से लाहक हो जाती है और अक्सर उजलाती असाबी मिजाज में लाहक होती है, जो कि मरीज़ को इंतहाई तकलीफ़ देती है, चलने फिरने में, उठने बैठने में, सुजदा करने में, इधर उधर देखने में, हत्ता कि बाज़ दफ़ा जब जोड़ों की दर्द ज़ोरों पर हो तो नवाला चबाने में भी मरीज़ को यहाँ पर और यहाँ पर जोड़ों की दर्दों की वजह से तकलीफ़ होती है। इंतहाई अजियतनाक, अजियत देने वाली मरज़ है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि एक ऐसा नुस्खा आप लोगों के लिए अपलोड कर लूँ, फार्मूलेशन बताऊँ आपको, आपको बनाने का तरकीब बताऊँ, इस्तेमाल कराने का तरकीब बताऊँ, ताकि आप खुद बना सकें और वो नुस्खा हर पेंसार वाले के पास अवेलेबल हो। हर पेंसार वाले के पास अगर आप उससे तलब करें तो वो आपको दे दें और आपको कोई दिक्कत ना हो, ना बनाने में और ना अज्ज़ा तरकीबी को तलब करने में, ढूंढने में और ना ही इस्तेमाल कराने में। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए लिखा हुआ नुस्खा इंशाल्लाह स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक अपना दरख्वास्त करना मुनासिब समझता हूँ, जिसको मैं हर वीडियो में तकरीबन शामिल करता हूँ, कि मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, मखलूक के खुदा के हिदमत की जज्बे से शेयर करते रहना, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने आ जाए। कोई तो ऐसा होगा जो अपने लिए बनाएगा, कोई तो ऐसा होगा जो फ़ायदा उठाएगा, तो आपकी एक शेयर की वजह से आपको अजर व सवाब फिर ज़रूर मिलता रहेगा। नुस्खा बताना मुनासिब समझता हूँ, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, आप बोर ना हो। अजवाइन देसी 14 ग्राम, पिपला मोल 14 ग्राम, सितावर 28 ग्राम, बुदारा 28 ग्राम, सूंट 28 ग्राम और असगन नगोरी 28 ग्राम, ये सारे अज्जा बारीक कर लें, जितना ज़्यादा बारीक हो इतना ज़्यादा मुफीद है, इंतहाई बारीक कर लें, मिसले गुबार बना लें, फिर इसके साथ पुराना गुड़ हसब ज़रूरत शामिल करें, इतनी मकदार में शामिल करें कि इससे गोलियां बनाई जा सकें, फिर या दो राती की गोलियां बना लें या 4 राती की गोलियां बना लें। ज़्यादा मुनासिब होगा कि 4 राती की गोलियां बना लें, इसलिए कि इसमें किसी किस्म का कोई जूज़ भी मुज़र सेहत नहीं है, इसमें कोई चीज़ भी ऐसा नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट हो, जिसका कोई नुकसान हो, बल्कि सारे अज्जाए तरकीबी इंतहाई बेहतरीन और इंतहाई ज़्यादा फ़वाद रखने वाले अज्जाए तरकीबें हैं। तो माज़ नाज़रीन, 2 राती की गोलियां या 4 राती की गोलियां, 4 राती की गोलियां बना लें और दो गोलियां सुबह, 2 गोलियां दोपहर और 2 गोलियां शाम,
मरीज़ को खिलाया करें आम सादा पानी के साथ। अगर उबला हुआ पानी हो, उबाला गया पानी हो और वो उसे ठंडा किया गया हो, तो उस पानी से मरीज़ को ये गोलियां खिलाया करें। इंशाल्लाह 15-20 दिन के इस्तेमाल से वाज़ह फ़र्क मालूम हो जाएगा। फिर मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना, मुझे भूलना नहीं, दुआएं फिर ज़रूर देते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।